चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे वीडियोस अभी आपके लिए आने के हैं, तो स्टे ट्यून्ड। हेलो, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर सोनल कोलते और मैं हूँ यूरोप की टूर पे। आज मैं आपको स्विट्जरलैंड का टूर किस तरह से प्लान करें इसके बारे में बताऊंगी। फ्लाइट तो आप कर ही लेंगे, आपको पता है चीपेस्ट फ्लाइट कहीं से भी आपको मिल जाएगी इंडिया से, वो आप कर लीजिए। आपका वीज़ा भी आ गया है, फिर अभी स्विट्जरलैंड जाने के पहले क्या तैयारियाँ आपको करनी चाहिए? सबसे पहले आपको बुक करनी चाहिए स्विस ट्रैवल पास या फिर हाफ फ्लेयर टिकट जो होती है वो, यानी जिसमें हाफ अमाउंट का टिकट आपको लगता है, ये चीज़ हो गई। फिर आपने डिसाइड करने चाहिए आपने कपड़े क्या पहनने हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड का वेदर मोस्टली ठंडा रहता है तो थोड़े से अपने यहाँ के स्वेटर भी चल जाएंगे, लेकिन जो इस तरह के रेगजिन वाले स्वेटर्स हैं वो आप लेने लेने चाहिए। मफलर्स या हैंड ग्लव्स ले लीजिए क्योंकि आपको जाना है बर्फ में। एक दिन आप माउंट टिटलिस कर सकते हैं, एक दिन आप ऑन फ्रंट जो टॉप ऑफ द यूरोप है वो कर सकते हैं, उसके बाद लॉरेंस, ज़ुरिच में राइनी फॉल हाफ डे और हाफ डे लॉरेंस टूर, लूसेंस का जो सिटी टूर है वो कर लीजिए। इंटरलिंकन, इंटरलिंकन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ से ही आप टॉप ऑफ द यूरोप जाते हैं, लेकिन जाने के दो वे हैं, एक तो आप जाते हैं ग्रिंडलवर्ड से और एक जाते हैं लॉटरबर्न से। तो लॉटरबर्न वाला रास्ता बहुत ही प्यारा है, लॉटरबर्न वे के और ऊपर से जब जाते हैं तो भी ये रास्ता ज़रूर चूज कीजिए, तो आपको बेहतरीन नज़ारे मिलेंगे। हो सकता है स्नोफॉल भी हो रहा है, ऊपर बहुत 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 बर्फ रहता है तो बर्फ भी आप खेल सकते हैं। तो एक दिन फर्स्ट डे आप अगर ज़ुरिच जा रहे हैं तो ज़ुरिच राइनी फॉल, लूसेंस आ जाइए, लूसेंस में स्टे कीजिए, लूसेंस से इंटरलिंकन, ग्रिंडलवर्ड, लॉटरबर्न और वेगेन, एक दिन का आपने हो जाएगा अगर आपको सिर्फ देखना है। उसके बाद जर्मेट आप जा सकते हैं, आपको अगर जाना है तो सेंट मॉरिस जा सकते हैं, एक दिन बर्न और जिनोविया, एक दिन स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है बर्न और जिनेविया, जिनेविया में बहुत ही सुंदर लॉसॉन नाम का एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा जिनेविया लेक भी आपको दिखता है, बहुत सुंदर नज़ारे हैं बर्न से अब जिनोविया जब जाते हैं। तो लूसेंस में अगर आप अपना स्टे रखते हैं और ये जगह घूमते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है यूरोप कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड कर सकते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन सामान इधर उधर कैरी करने से अच्छा है कि एक जगह स्टे कीजिए, और मैं आपको बोलूँगी कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर है तो एक ही जगह रुकिए और वहाँ से हर जगह जाइए।